हाय गाइस, तो देख सकते हैं आज का वीडियो है एसी स्टेबलाइजर किस तरीके से ठीक करते हैं। तो ये स्टेबलाइजर आज रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आया है। तो गाइस, ये स्टेबलाइजर पूरा का पूरा शॉर्ट बता रहा है आपको, शॉर्ट किस तरीके से चेक करना है, स्टेबलाइजर हमारा शॉर्ट है या सही है। तो आप सीरीज बोर्ड में लगा के चेक कर सकते हैं। सीरीज बोर्ड आप लोगों को बनाना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। उससे पहले गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस, ये जब तक आपका नट खुल रहा है तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, जल चुका है। तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और बाकी हमारा सब कुछ सही है। तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के बाद में गाइस, आगे ट्रांसफार्मर मेन है, उसके बाद में गाइस रिले मेन है, उसके बाद ये सामने जो प्लेट लगा हुआ है ये प्लेट मेन है। तो आपका गाइस ये ट्रांसफार्मर चेंज कर देंगे, उसके बाद सही हो जाएगा। तो चलिए गाइस, ये ट्रांसफार्मर चेंज करके हम कस्टमर को दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।